दुर्गा जी सबसे पहले तो नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं सर। आप लोगों को भी नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 150 फिल्में पूरी हुई हैं सबसे पहले तो उसके लिए भी मुबारकबाद। थैंक यू। और 2018 नया साल है, किरण बहुत कुछ नया करने की कोशिश करेगी आदि शक्ति एंटरटेनमेंट, आप जरा प्लान्स के बारे में बताइए। देखिए ऐसा है, जो हमारी भोजपुरी सिनेमा है, फिल्म है, इसमें तो हम 10-12 साल से कर रहे हैं और थोड़ा बहुत नया करते रहते हैं, लेकिन अभी मेरे दिमाग में एक चीज़ आई है कि क्यों ना एक फिल्म, मैं अभी फरवरी में शूट कर रहा हूँ, सब फाइनल हो गया है, क्यों ना इस फिल्म में मैं सारे के सारे नए, एक डायरेक्टर और एक कैमरामैन, वो लेंगे जो कि पहले फिल्में कर चुके हैं, लेकिन उनके साथ जो असिस्टेंट रखूंगा वो नए रखूंगा, ताकि दूसरी फिल्म करें तो उनका कैलिबर पता लग जाए। इसमें हमारा गीतकार, इसके संगीतकार, इसके एक्टर, इसके एक्ट्रेस, इसके कैरेक्टर आर्टिस्ट, जितने भी लोग हैं, हम उन सब लोगों को लेंगे जो पहले कभी कोई फिल्म ना किया हो, कभी किसी ने कोई एल्बम ना किया हो, कैमरा फेस ना किया, उसका हम ऑडिशन लेंगे। 10-15 दिन टाइम लगेगा उसमें, हम उसके लिए सारी तैयारी कर लिए हैं और बिल्कुल फ्रेश चेहरों को मैं चांस दूंगा, वो हर एक क्षेत्र का जो भी होगा उसमें कोई भी पुराना आदमी नहीं रहेगा। आमतौर पर मान्यता ये है कि 4 एक्टर्स की ऊपर की फिल्में चलती हैं, उनको भी स्क्रीन्स मिलती हैं और उनकी फिल्में ज़्यादा बॉक्स ऑफिस पर बिजनेस करती हैं, ऐसे में नए आर्टिस्ट को लेकर उन्हें लीड देना और उन पर ही सब कुछ जिम्मेदारी छोड़ना, क्या ये ठीक होगा कमर्शियली? देखिए इसमें ना 2 मिनट में इसका जवाब देना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ये जो हम बात करते हैं किसी भी 4 एक्टर की, 5 एक्टर की, 2 एक्टर की, ये कभी ना कभी ये भी बिल्कुल नए थे उसको, और बताऊँ सिनेमा में ना कोई एक पुराना होना चाहिए। अगर बहुत बड़ा स्टार काम कर रहा है, सुपरस्टार काम कर रहा है, तो फिर डायरेक्टर कौन है, प्रोड्यूसर कौन है, म्यूजिक डायरेक्टर कौन है, उसकी किसी को कोई पड़ी नहीं है। जैसे गजनी जैसी फिल्म है, किसी को कोई पड़ी नहीं है उसका म्यूजिक डायरेक्टर कौन है, डायरेक्टर कौन है, फलाना क्या है, इनका क्या, उसको सिर्फ एक आमिर खान है बाल कटा हुआ है यहाँ से, वो फिल्म सुपरहिट है। लेकिन अगर ट्रैफिक सिग्नल जैसी कोई फिल्म है तो उसके लिए मधुर भंडारकर है, किसको मालूम है कौन हीरोइन है, कौन हीरो है, क्या है, 100 में से 10 लोगों को मालूम नहीं है। तो हम ये नहीं बोल रहे हैं कि उस फिल्म में सारे नए हैं, भाई उस फिल्म का डायरेक्टर तो बड़ा है, उस फिल्म का प्रोडक्शन हाउस तो बड़ा है, लेकिन अगर हर एक आदमी ये सोच लिया कि सिर्फ इन 4 के साथ फिल्म बनानी है, तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आपके पास क्या गारंटी है कि इन 4 के साथ में आप फायदे में हैं? कोई गारंटी नहीं। फिल्म अभी फुकरे पूरे साल कोई फिल्म नहीं चली, फुकरे 2 सुपरहिट, उसमें कौन से वो 4 सुपरस्टार हैं, है क्या? हमारे भोजपुरी में भी अगर आलोक ने खेसारी को लेके फिल्म जब पहली बार बनाई तो मैं भी नाम नहीं जानता था उसका, कोई नहीं जानता था, लेकिन आलोक एस्टैब्लिश प्रोड्यूसर था, उसने चांस लिया। तो आदि शक्ति एक एस्टैब्लिश कंपनी है, आप भी मानते हैं, अगर हमारे जैसा आदमी थोड़ा बहुत भी आगे नहीं, और इससे पहले हमने किया है, ऐसा नहीं कि हमने नहीं किया है, अगर थोड़ा बहुत भी रिस्क नहीं लेंगे जो बहुत कैलकुलेटेड है, उसका अगर मैं गणित बताने बैठूंगा आपको कि देखिए ये चीज़ ऐसी है, ये चीज़ ऐसी है, तो इस स्टेज पर ठीक नहीं है, लेकिन वो भी मैं एक पब्लिक मीटिंग में बताऊंगा कि देखिए अगर इस फिल्म में ये खर्चा है तो इस खर्चे को एक प्रोडक्शन हाउस अपना खर्चा पूरा कैसे कर रहा है। लेकिन हो सकता है, मैं वादा नहीं कर सकता, हो सकता है कि एक आधे चेहरे इंडस्ट्री को मिल जाए जो हमें फ़ायदा होगा कमर्शियली, कि अगले हमको 2 साल में अगर आज हम लोग फिल्में बनाते हैं तो घूम फिर के उसी सर्कल में ख़त्म हो जाती है फिल्में। तो एक चांस मुझे लेने दीजिए, मुझे भी आप पहली बार नहीं है, 1-2 लोगों ने और बोला कि क्या ज़रूरत है, आपके पास टाइम नहीं है, ऑडिशन करते रहेंगे। तो मैंने हमारे जो दोस्त यान हैं उनको बोला कि पहले आप 1st और 2nd और 3rd स्टेज का ऑडिशन आप ले लीजिए, आप उस 25 लोगों में से 4 लोग सेलेक्ट कीजिए, उन 4 लोगों के साथ हम और हमारी टीम बैठ जाएगी। टीम में कौन? हमारे डायरेक्टर बैठेंगे, हमारे DOP बैठेंगे, हम उनके साथ बोलेंगे कि एक ट्रायल शूट कीजिए, हिंदी फिल्मों में होता ही है ना, वर्कशॉप करते हैं, व्हाट्स रॉन्ग, एक वर्कशॉप करते हैं, क्या जाएगा टाइम? जितना देर हम सुपरस्टारों को मनाने में लगा देते हैं उतना ही टाइम में एक वर्कशॉप करते हैं ना, चलाना तो हमें ही है भाई। आज किसी की फिल्म में अपने रिस्क पे चलाना पड़ता ही है, चाहे वो हिंदी हो, चाहे भोजपुरी हो, पंजाबी, मराठी, कोई भी हो, फिल्म इज ए कम्प्लीटली रिस्क बिजनेस है। तो ये चीज़ मेरे दिमाग में आई है और अब कितने साल काम करूँगा, मैं सोचता हूँ 1-2 साल उस ढंग से काम करके देखते हैं। दुर्गा जी ऐसा है कि जब आपने कहा नए कलाकारों को, आपने कहा कि नए कलाकारों को आप चांस देंगे, सिंगर्स को भी चांस देंगे, टेक्नीशियंस को भी, ज़्यादातर नए लोगों को, आप कुछ नया अपन करना चाहते हैं, आपको नहीं लगता बहुत टाइम कंज्यूमिंग जॉब होगा या इसमें बहुत सारा वक्त जाएगा? इट्स नॉट लाइक दैट। देखिए मैंने आपको बोला ना कि इसमें कितना टाइम लगेगा, 1 महीना, इससे ज़्यादा नहीं। हमारा स्क्रिप्ट पर तो टाइम नहीं जा रहा है, हमारे जो राइटर जो हमको भेजा है उन्होंने, हमारे पास कम से कम 70 स्टोरी का जखीरा है, आपको अभी दे देता हूँ,
ऐसे लाजवाब सब्जेक्ट हैं उनके पास, तो उनके पास टाइम है। और आपको बताऊं, मैं बहुत साल इंडस्ट्री में हो गया, बार बार अपना परिचय देने की जरूरत नहीं, आप लोग भी 75 बार इंटरव्यू ले चुके हैं। हम बड़े से बड़े डायरेक्टर के साथ एज असिस्टेंट एज म्यूजिशियन काम किया हूँ। वो जब कंपोज करते थे ना, तो कंपोजर वो नहीं होते थे, वो घोस्ट होते थे। वो जो बेचारे घोस्ट हमारे पास घूमते हैं ना, दे आर द एक्चुअल कंपोजर्स, एक्चुअल लिरिसिस्ट, एक्चुअल स्टोरी राइटर। हमारे पास आके बोल देते स्टोरी मेरी, वो नहीं होते। वो घर में 25,000 रुपये महीने पर 10 बंदे पड़े हुए हैं, वो जो लिख रहे हैं वो बंदे हैं, तो वहाँ पर टाइम नहीं है। हमको क्या करना है, हमको वो आर्टिस्ट देखने हैं जो कैमरे के सामने, कैमरे के पीछे वाले जो लोग हैं वो तो ऑलरेडी तय है। हमने सब्जेक्ट तय करके रखा है, हमारा लोकेशन तय है, हमारा सब कुछ तय है। और 10 ठो गाना उसके लिए कितना टाइम लगेगा, मैं डायरेक्टर म्यूजिशियन हूँ, 2 घंटा बैठूंगा 10 गाना निकाल लूँगा। हाँ जी, प्रोग्रामिंग आज करते हैं हम, हमारे जो यहाँ पे तथाकथित प्रोग्रामर्स हैं, अरे यार आज भी हमारी भोजपुरी में एल्बम सेट होते हैं उसमें ये तथाकथित प्रोग्रामर कहाँ हैं, मैं पूछता हूँ उनसे। तथाकथित प्रोग्रामर वही गाने उठा के देते हैं जो बेचारे बनारस में है, गोरखपुर में है, पटना में है, छपरा में है, वही गाना लाते हैं। क्यों प्रेम जी, सब्जेक्ट सीधी की सीधी फिल्म का जेरोक्स करते हैं। लेकिन जो लड़के वो हमारे पास आते हैं, अभी मैं एक जगह गया हुआ था, हमारे साथ में तथाकथित बहुत बड़ा डायरेक्टर मेरे साथ था, मैं अचानक उसके कमरे में चला गया कि भाई लेट हो रहा है, हम लोगों को जाना है। वहाँ देखा तो एक लड़का टेबल बजा के गा रहा है और हमारे म्यूजिक डायरेक्टर साहब उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। 15 दिन बाद देखा मेरे स्टूडियो, अब मेरे दिमाग में धुन रह गई, मैं संगीत का कीड़ा, 15 दिन बाद देख रहा हूँ वर्ड भी वही, धुन भी वही, यहाँ रिकॉर्ड हो रहा है। नाम तो उस म्यूजिक डायरेक्टर का जा रहा है, तो क्यों ना उसी को बुलाया जाए, भाई नाम तो नहीं बिक रहा है ना। ऐसा है क्या मैं म्यूजिक डायरेक्टर का नाम बेचूंगा और आप उस म्यूजिक को 10 लाख ज़्यादा में बेच देंगे? नो, एक टोटल बिक रहा है, प्रोड्यूसर भी है, डायरेक्टर भी है, एक्टर भी है, सब है। और अगर शायद आपको पता होगा कि मेरी कंपनी इस वक्त नए फिल्मों को, नए एक्टरों को प्राइस ज़्यादा दे रही है रादर देन द एस्टैब्लिश, उनके लिए तो 20 कंपनियाँ खड़ी हैं, लेकिन एक लकीर के पीछे भागते रहेंगे तो क्या फ़ायदा। और ज़्यादातर यूपी बिहार से जो मैसेजेस आते हैं मुझे भी, करीब 1,000 मैसेज 1,500 मैसेज पढ़ने आते हैं, ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होता कि ऑडिशन कैसे हो या फिल्म में, भोजपुरी फिल्मों में काम पाने का सही तरीका क्या है, लोगों को पता नहीं है शायद अब तक, ठीक है, उनके लिए कैसे उनका जो रास्ता है वो आपके इस केबिन तक कैसे बनेगा? देखिए ऐसा है, इसके लिए मैंने उदय भगत से कल कॉन्टेक्ट किया, मैंने ऑफिशियली उनको हायर किया। हम अभी जो सेकेंड योजना है, हम उनको एक नंबर देंगे जिस नंबर पर वो बात नहीं करेंगे। जब वो बात करेंगे तो उसमें लोग मिसगाइड करेंगे, सब कुछ करेंगे, तो उसमें वो अपना वॉइस, अपना गाना, अपना गीत, अपना चेहरा जो भी वहाँ भेज देंगे, उसकी शॉर्ट लिस्टिंग हम कर लेंगे कि सबसे पहले हमारे कैरेक्टर। देखिए हम ऐसा तो किसी को नहीं बोल रहे हैं कि हिंदुस्तान से हमारा कोई टैलेंट हंटिंग नहीं है कि आप 5 रुपये का एडमिशन फीस भरी और टैलेंट हंट कीजिए और उसमें 50 लाख लोग जमा हो गए, हमने 5 करोड़ रुपये जमा कर लिया उसमें से 50 लाख की फिल्म बना दी। इट्स नॉट लाइक दैट, हम कोई टैलेंट हंट करने नहीं बैठे। हमारे पास दो फिल्मों के लिए हमें सिर्फ 15 से 20 लोग ही चाहिए। वो हम पहले उसको देख लेंगे कि हमारे कैरेक्टर में कौन कौन जा रहा है, अननेसेसरी हम किसी को तंग नहीं करेंगे। उसके बाद में हम 2 या 3 हफ्ते में एक दिन पूरा दिन डेडिकेटेड टू दोस पीपल। वो संडे भी हो सकता है कि भाई मेरा स्टूडियो खाली है, हम 2 कैमरा मेरे घर का है, हम लगा देंगे, उनसे 4-6 डायलॉग बुलवाएंगे। और उन लोगों को बनाने के लिए ना हमको बहुत बड़ा वैनिटी चाहिए, ना उनका भाव चाहिए, ना उनका फलाना तामझाम नहीं चाहिए। तो जो आज की फिल्म का प्रोडक्शन कॉस्ट है, मान लीजिए एक फिल्म बनाते हैं, उस फिल्म का प्रोडक्शन कॉस्ट हमारा 10 रुपये है, तो उनके साथ हम बनाएंगे सिर्फ 4 रुपये में बनेगी, क्योंकि वो पूरा के पूरा पैसा उसी में जाएगा। उनको रहने के लिए मुझे 5-स्टार होटल नहीं चाहिए, उनको बोलेंगे तंबू बना के रहो, रहेंगे। हम तो फिल्म बना रहे हैं ना, उनके लिए एक प्रोडक्ट बना रहे हैं। और हम अगर ये बोलेंगे हम उनके ऊपर एहसान कर रहे हैं तो ये गलत बात होगी। हम एहसान किसी पे नहीं कर रहे, हम एक नई चीज़ बना रहे हैं जिसका फ़ायदा हमें मिलेगा और उनको तो मिलना ही मिलना है जी। ये बहुत बड़ा रिस्क नहीं है। अगर मीडिया ये सोच रही है कि मैं बहुत बड़ा रिस्क ले रहा हूँ, नहीं, फाइनेंशियल इसमें किसी प्रकार का रिस्क नहीं है। आप सब जानते हैं आज बड़ी से बड़ी फिल्में होती हैं उसमें प्रोड्यूसर को कितना लॉस होता है, जितना उस प्रोड्यूसर को लॉस होता है उतने में ये 2 फिल्म बनेगी, जितना सिर्फ लॉस होता है उसमें ये 2 फिल्म बनेगी। अभी मैंने पिछले साल 2 फिल्म बनाई, एक बड़ी फिल्म बनाई एक छोटी। बड़ी फिल्म में मैं 70 लाख कमाया हूँ, छोटी फिल्म में 35 लाख कमा चुका हूँ। तो फिर मैं बड़ी फिल्म छोटी फिल्म आपको किस में आपते हैं, जिसमें स्टार है वो बड़ी है? नहीं, कोई ना कोई तो स्टार होना चाहिए। अगर यशराज की फिल्म है तो अपने आप बड़ी है,
भाई रणवीर सिंह जब पहली बार आया था कौन जानता था, वो बड़ी फिल्म थी क्योंकि यशराज से आए वो। हमारे यहाँ से हमने मनोज पांडे की फिल्म में थी लहरिया लूटा राजा जीता, सुपरहिट क्योंकि राजकुमार डायरेक्टर था, आदिशक्ति प्रोडक्शन थी वो। तो आदिशक्ति तो अपने आप में एक स्टार है ना, हमने आज 40 साल मेहनत करके एक ब्रांड बनाया है। हम ये तो नहीं बोल रहे कि नए कलाकारों के साथ हम नए प्रोड्यूसर भी दे रहे हैं, नए डायरेक्टर भी दे रहे हैं, नहीं, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर बहुत बड़ा एस्टैब्लिश कंपनी है, तो दो स्टार तो सर है ही ना। कलाकारों के नएपन की आपने बात की, टेक्नीशियंस के नएपन की बात की, अब कहानी पे मैं आ जाता हूँ। आपके पास आपने कहा 70 कहानियां हैं, कहानियां वैसी ही एक रट्टे की कहानी भोजपुरी में चलती है, क्या कहानी भी उतनी ही नहीं होगी? बिल्कुल नहीं होगी सर, मिशन के ऊपर होगी। अगर हिंदी फिल्मों में भी ना कहानियां एक दर्जे की चलती है, लेकिन आप भाग मिल्खा भाग वगैरह फिल्में देखेंगे ना तो आपको लगेगी ये कोई कहानी नहीं है, वो एक जीवंत कथा है। तो हमारे यहाँ भी बहुत सारी समस्याएं ऐसी है, जिस समस्या को मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हम इतना बड़ा उसको हेवी बना देंगे कि थिएटर में आदमी जाके बीमार होकर वापस आए, नहीं, उसको उतना ही लाइट ढंग से हम एकदम नए ढंग से बनाएंगे। ऐसा नहीं कि वही वही ठाकुर चला गया, वही गाना गाना शुरू हो गया, वो नहीं करेंगे। आपने भाग मिल्खा भाग की बात की, बायोग्राफी की बात की, ऐसी फिल्म क्या भोजपुरी में भी अर्जुन कर सकते हैं, कम से कम सोच सकते हैं? देखिए जब तक कोशिश नहीं करेंगे जब तक कब चलेगी। मेहमानों दुर्गा दादा बायोग्राफी बनाएंगे किसी की? मैं अपनी बना दूंगा अपनी किसी ना किसी की जरूर बनाऊंगा भोजपुरी में। बहुत अच्छा अच्छा काम किया लोगों ने। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।